नमस्कार मित्रों, धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, धार्मिक विभिन्नताओं के देश में लाखों की संख्या में देवी देवताओं की आराधना की जाती है। उन्हीं शक्तियों में से एक रूप महाकाली का भी है, जो दुष्टों को सहार करने के लिए संसार में अवतार हुआ है। माँ दुर्गा के मस्तक से जन्म लेने वाली महाकाली काले रंग का क्या है रहस्य, कैसे चंडमुंड का वध किया, जानिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, काल समय के नारे दुर्लभ रूप में अवतरित है। महाकाली की संरक्षण और विनाश की देवी कहा जाता है। देवी को नौ रूप में एक महाकाली भी है। महाकाली को दुर्गा का अवतार कहा गया है। इसी धरती पर अवतरित होने से कई मान्यताओं प्रचलित है। जब माता दुर्गा महिषासुर नाम का राक्षस के साथ युद्ध कर रही थी, तो वहाँ इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने मस्तक की ज्वाला से महाकाली अवतरित हुई। गहरे काले रंग में बेहद विशाल काया काली महाकाली ने सारे राक्षसों को मार डाला और उनके रक्त का सेवन किया। माँ दुर्गा जिन जिन असुरों का सहार करती गई, महाकाली ने उनके सिर काटकर अपने गले में लटका लिया। सारे राक्षस मारे गए, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्या राक्षस, क्या देवी, सभी उनके कोप के भागी बनने लगे और संसार का विनाश होते देखा। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके पति उनके पैरों के नीचे लेट गए। उन पर पांव रखते ही महाकाली शांत हो गई। उन्हें इस बात का भारी पश्चात था कि उन्होंने अपने पति पर पैर रख दिया। दूसरी मान्यता माँ पार्वती से संबंधित है। इसी अनुसार पार्वती के शरीर की मेल से माता काली का अद्भुत शरीर प्रकट हुआ, इसीलिए काली का रंग काला और पार्वती जी का श्वेत है। माँ काली के इस काले रंग को विनाश और सृजन से भी जोड़ा जाता है। तीसरी मान्यताओं के अनुसार काली का निर्माण देवी अंबिका ने असुरों के सहार के लिए उद्देश्य किया था। अवतरित होने के साथ ही काली ने चंड और मुंड नाम के दोनों राक्षसों को जीवन का सहार किया। इन दोनों असुरों को मारने के बाद काली को रक्तबीज नाम के असुर को सम्राट की सेना से लड़ना पड़ा था। रक्तबीज के रक्त की हर बूंद से एक और रक्तबीज का निर्माण होता था, इसीलिए उसकी सेना निरंतर बढ़ी जा रही थी। रक्तबीज को मारने के लिए महाकाली ने उसके शरीर पर खून की एक एक बूंद पी ली थी और उसकी सारी प्रतिकृतियों को खा गई। रक्तबीज को मारने के पश्चात काली क्रोध में तांडव करने लगी और उन्हें शांत करवाने के लिए भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। माता काली शांत हो गई। तो मित्रों, यह था माता काली का अद्भुत रहस्य। मित्रों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आपके समक्ष पहुँच सके। धन्यवाद।